ये आदमी इतना गरीब था कि उसे रोज भोजन ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक बार जब वो दोपहर के भोजन के लिए पक्षी को पकड़ रहा था तो उसने एक बहुत ही सुंदर कौवे को पकड़ा। कौवा बहुत काला था लेकिन फिर भी उसके पंख चमक रहे थे। वे उस कौवे को घर ले आया जिसे देखकर उसके बच्चे बहुत खुश हुए और एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसका अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर कौवा बड़ा हो गया और उनके हाथों से खाना खाने लगा। एक दिन एक लालची आदमी उसके घर आया और उसने कौवे को देखा और अपने हाथों में उठा लिया। कौवे के बाएं पंख के नीचे लिखा था कि जो कोई भी कौवे का जिगर खाएगा वो राजा बन जाएगा और उसके दाएं पंख के नीचे लिखा था कि जो कोई भी कौवे का दिल खाएगा उसके तकिए के नीचे रोज सोने के सिक्के मिलेंगे। लालची आदमी ने थोड़ा सोचा और उसने निर्णय लिया कि जब तक वो कौवे का दिल और जिगर नहीं खा लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। गरीब आदमी ने भी लिखावट देखी लेकिन उसे पढ़ना नहीं आया। वो लालची आदमी से बोला कि इस पर क्या लिखा है, तो लालची आदमी ने बोला। लालची आदमी ने गरीब आदमी से कहा कि ये कौवा दो दिन में ही मर जाएगा, इसलिए इसे मार देना ही बेहतर होगा। मुझे कौवे का मांस बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर आप मुझे इसके लिए पकाएंगे तो मैं आपको इसके बदले 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये बोलकर लालची आदमी ने एक थैले से भरा सोने का सिक्का मेज पर रख दिया। गरीब आदमी उस कौवे को मारना नहीं चाहता था लेकिन उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कौवे को मारकर उसका मांस भून लिया। फिर जैसे ही वो कौवे का मांस पका रहा था तो वो एक पल के लिए बाहर चला गया। तभी उसके दोनों बच्चे वहीं आसपास खेल रहे थे और जब उन्हें भूख लगी तो वे उसमें से दिल और कलेजा निकाल कर खा लिए, जिससे उनकी किस्मत चमक गई। गरीब आदमी ने जब लालची आदमी को कौवे का मांस थाली में परोसा तो लालची आदमी को ना तो दिल मिला ना ही कलेजा, जिससे लालची आदमी बहुत क्रोधित हुआ और उसे एहसास हुआ कि अब वो राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए वो वहाँ से बिना खाए ही चला गया। गरीब आदमी को अपने सारे पैसे खोने का पछतावा हुआ और उसने गुस्से में अपने बेटों से कहा कि वो उनकी आंखों से दूर हो जाए और तब तक वापस न आए जब तक उनका सारा पैसा न मिल जाए। पिता के इतना कहने पर दोनों बेटे वहाँ से चल दिए। दोनों बेटे उदास होकर इधर उधर भटक रहे और फिर शाम होते ही दोनों बेटे एक बड़े पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह जब वो दूसरे शहर में पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सुनहरा कुर्सी दिखाई दिया और बड़ा बेटा उस कुर्सी के ऊपर लेट गया और छोटा बेटा उस कुर्सी के नीचे लेट गया और वो दोनों तुरंत सो गए। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग की आवाज सुनकर उनकी आँख खुली तो उनके आसपास बहुत सारे लोग जमा होकर जय जयकार कर रहे थे। फिर वो दोनों लड़कों को महल में ले गए और जिसने कौवे का कलेजा खाया था उसे राजा चुन लिया गया। इस तरह बड़ा लड़का राजा बन गया और छोटे ने कौवे का दिल खाया था, इसलिए उसे हर सुबह अपने तकिए के नीचे सोने के सिक्के मिलते थे। और इधर इनके पिता को दोनों को भगाने का पछतावा हुआ, इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े और जब वो शहर पहुंचे तो वो इतना गरीब हो गया कि वो लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हो गया और वो भीख मांगते मांगते महल तक पहुंच गया जहां राजा ने उसे पहचान लिया। फिर दोनों बेटों ने उसे गले लगाया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे।